नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम की ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूं नादिया सबा। अगर आपकी आंखों के गिर्द डार्क सर्कल्स हैं, पफिनेस है, फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं, तो आज की रेमेडी को इस्तेमाल करके आप इन तमाम इश्यूज को फिक्स कर सकते हैं। और इसके लिए हमें बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि हमारे घर में मौजूद होते हैं, और बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ हम इन तमाम इश्यूज को फिक्स कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम आंखों के गिर्द स्किन को क्लीन करेंगे और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। और अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप बॉइल्ड मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कॉटन पैड लेंगे और उसे दूध में डिप करके आंखों के गिर्द स्किन को हल्के हाथों से विदाउट प्रेशर क्लीन करेंगे। 2 से 3 बार कॉटन बर्ड को दूध में डिप करके आंखों के गिर्द रब करेंगे तो तमाम डस्ट और डर्ट क्लीन हो जाएगी, क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो कि तमाम डस्ट और डर्ट को बहुत आसानी से क्लीन कर देता है। स्टेप नंबर 2 में हम एक स्मॉल साइज का आलू लेंगे और इसके साथ साथ पुदीने की पत्तियां 10 से 12। आलू को अच्छी तरह छील कर वॉश कर लें और पुदीने की पत्तियों को भी वॉश कर लें, और इसके बाद इन दोनों चीजों को ब्लेंडर जार में डालकर ब्लेंड कर लें। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, और अगर आपको ब्लेंडिंग में मुश्किल हो रही हो तो आप इस सबसे पहले आलू को कद्दूकस भी कर सकते हैं और इसके बाद आप ब्लेंडर जार में डालेंगे और पुदीने की पत्तियां डालकर ब्लेंड करेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएंगी। जब आलू और पुदीने की पत्तियों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें तो छोटे साइज की पैटीज बना लें, और इसके बाद दोनों आंखों को बंद करें और एक एक पैटी अपनी आंखों पर रखें और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक रखा रहने दें। 5 से 7 मिनट के बाद इन पैटीज को आंखों से हटा दें और स्किन पर जो हल्का हल्का सा जूस मौजूद होगा इसे अपनी फिंगर्स की मदद से हल्के हाथों से मसाज करें, और इसके बाद आंखों को पानी से वॉश कर लें। आलू में नेचुरल ब्लीच होता है जो कि पिगमेंटेशन और डिसकलरेशन पर काम करता है, और पुदीने की पत्तियों से स्किन को बहुत ही रिलैक्सिंग इफेक्ट मिलता है। जब स्किन हल्की नम हो तो विटामिन ई ऑयल, कोकोनट ऑयल या आमंड ऑयल, जो भी आपके पास मौजूद हो, आंखों के गिर्द लगा लें और ओवरनाइट लगा रहने दें। इन सिंपल से स्टेप्स को डेली फॉलो करने से विद इन अ वीक आप अपनी आंखों के गिर्द डार्क सर्कल्स, पफिनेस, रिंकल्स और फाइन लाइन, इन तमाम इश्यूज में नुमाया फर्क महसूस करेंगे। और अगर आप ये प्रोसीजर डेली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट थ्राइस अ वीक इसे जरूर प्रैक्टिस करें। ये तो थी आज की रेमेडी। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगेबान। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।